सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाइस, आप किसी भी ऐप में देखते होंगे रेफरल कोड, या फिर आप मतलब डाउनलोड करते हो तो रेफरल कोड डालने का ऑप्शंस आता है। ये गाइस अधिकतर ऐपों में आता है अर्निंग के, या फिर दूसरी ऐपों में प्लेटफॉर्म आता है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी कैशबैक या फिर आप बोल सकते हो शॉपिंग करने का ऐप होता है, उसमें ये अधिकतर आता है। तो यहाँ पर इसका क्या यूज है, कैसे यूज़ कर सकते हो, तो पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस सबसे पहले रेफरल कोड, तो गाइस आप जैसे आपने आईडी अकाउंट बना गए तो कंपनी की तरफ से आपको एक रेफरल कोड मिलेगा। अगर उस आपसे मतलब आपकी जो लिंक है उसे अगर कोई भी बंदा डाउनलोड करता है या फिर साइनअप करता है, तो उससे उसके मतलब यहाँ पर रेफरल कोड डालने का आ जाता है। तो आप ये कभी कभार ऑटोमेटिकली ले लेता है कौन भी ऐप, अगर आप उसको बताते हो कि ये रेफरल कोड यूज़ कर लो, तो अगर वो यूज़ करता है तो उसके बदले आपको कमीशन मिलती है, कमीशन भी मिलती है उसको, आपको बाउंस भी मिलते हैं पैसे। आप जो है अपने UPI में या फिर बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। अगर कॉइन्स वगैरह मिलते हैं तो आप उनको मतलब यहाँ पर कोई भी अगर आप शॉपिंग करते हो किसी ऐप में, तो उसमें आप वो मतलब ऐड हो जाते हैं, उसके ऐप को कमीशन मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो रेफरल कोड का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। आप मतलब रेफरल किसी को करते हो तो कोड हमेशा डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कंपनी के द्वारा आपको दिया होता है। तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, आई होप कि गाइस आप सबको समझ गए होंगे रेफरल कोड क्या होता है। तो वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। वापस तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।